जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो वहीं इस समय लोग निराला नगर में, निराला नगर आप पीछे जो स्क्रीन में भीड़ देख रहे हैं, ये श्री राधा सखी सेवा समिति परिवार की भीड़ है, जहां पे आज उनका छठा वार्षिक उत्सव मनाया गया है। तो छठा वार्षिक उत्सव को लेकर के पूरा माहौल कृष्णमय और राधामय हो गया है। तो मैम से हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सुषमा अग्रवाल, श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति की संस्थापक अध्यक्षा के साथ साथ मैं एक सेविका हूँ। और आज हमारा ये छठा वार्षिक उत्सव है। हम लोग हर वर्ष इसी तरह से सारी सखियाँ मिल करके और सुंदर सा राधा जी का, कृष्ण का श्रृंगार कर उनका जन्म उत्सव मना करके इस तरह से अपने आप को भाव विभोर कर लेती हैं। और आज तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर गोपी गीत की प्रस्तुति हुई और उस गोपी गीत के माध्यम से एक भक्त कृष्ण या भगवान के विरह में कैसे व्याकुल हो जाता है, इसका भाव प्रदर्शित किया गया। और मेरी गोपियों ने बहुत मेहनत करी और बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी ये वाली, और ये भाव सभी तक पहुंचा है। हमारी जो गोपियां थी यहाँ पर, उन गोपियों की आंखें भर आई थी क्योंकि आज वो सच में गोपियाँ बन गई थी। क्योंकि हमने जब यहाँ पे दृश्य देखा कि कृष्ण जब खड़े हुए थे, एकाएक कृष्ण गायब हो गए, तो गोपियों में एक अलग सा एक विरह उत्पन्न हो गया, जिसको देख करके पूरा जो है स्टेज और पूरा हॉल जो आपका एकदम से जो है क्या कहें, शब्द ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि यही वो भाव है जो गोपियाँ भक्त को बताना चाहती हैं कि भक्ति बहुत सर्वोपरि है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। क्योंकि जब भक्ति केवल आती है तो वो कभी कभी अहंकार से भर जाती है, और जब अहंकार आ जाता है तो वो ऊर्जा जो स्वरूप है हमारे कृष्ण है, वो ऊर्जा चली जाती है वहाँ से। और जब ऊर्जा चली जाती है तो हम खाली हो जाते हैं बिल्कुल। और उसी विरह में जब गोपियाँ, क्योंकि कृष्ण की अनन्य प्रेम और अनन्य भक्त थी वो, तो जब उनको लगा कि वहाँ से कृष्ण चले गए हैं तो वो व्याकुल हो गई और वो ढूंढने लगी पेड़ से, पक्षी से, तिनके से, घास से, फूल से, एक एक से पूछती हैं कि क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है, वो तो कोमल है, उसके पांव कितने कोमल हैं, उसे कंकड़ चुभ जाएगा तो उसे कष्ट होगा, वो कितना कष्ट पाता होगा। ऐसे विरह में व्याकुल हो गए और इन्हीं व्याकुलता में जो उनके अंतःकरण से जो शब्द निकले वो गोपी गीत बन गए, और जिसकी प्रस्तुति आज मैंने यहाँ पर संस्कृत में गायन करके दी। तो हमारे साथ कृष्ण भगवान जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो आपको कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी इतनी दिव्य लग सकती हूँ कभी, सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो यहाँ पे कृष्ण और कृष्ण को लेकर के सारी गोपियों की जो प्रस्तुति करी थी, राघवेंद्र जी हमारे साथ में हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। कार्यक्रम को तैयार करने में कितने दिन लग गए? राघवेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हमसे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। गोपी गीत की परिकल्पना तो एक वर्ष पूर्व ही बन गई थी, और सुषमा जी का गत वर्ष ही ये कार्यक्रम तय हो गया था कि इस वर्ष हमें गोपी गीत करना है,
और हमें लगता है 10 दिन में हम लोगों ने इसकी रूपरेखा तैयार करी और मुश्किल से 7 दिनों की प्रैक्टिस में हम लोगों ने ये गोपी गीत सिद्ध किया। और मज़े की बात थी कि इस बार इस गोपी गीत में हर अवस्था की महिलाओं ने प्रतिभाग किया और सब हमें लगता है सब 40 के ऊपर की अवस्था में है, 40 से 60 के ऊपर की अवस्थाओं में है, जिनको सिखाना और समझाना और जोड़ना कठिन था लेकिन असंभव नहीं था और जो हुआ वो मंच पे आज यादगार हो गया। यानी कि आपने हर अवस्था की महिलाओं को गोपी बना दिया। जी जी जी, वो मन से गोपी थी, आज तन भी जोड़ दिया और मन भी जोड़ दिया और धन भी जोड़ दिया और आज ये सर्वांगीण गोपी बन करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई और एक अच्छी स्मृति हम लोगों के लिए आज संजोई गई है और ये गोपी गीत सिद्ध हुआ। आपने भी काफी अच्छा सुंदर नृत्य किया, चाहे केवट का हो चाहे द्रौपदी का। बहुत बहुत आभार, ये सब तो गुरु की कृपा है और इतने वर्षों का सानिध्य है उनका मिल रहा है मुझे और जो भी है वो उनका ही है। बस मैं तो आपके गुरु इतने अच्छे तो आप जब इनके गुरु बने तो इनका ही प्रस्तुति करें और सुंदर कहते हैं सोने पे सुहागा। देखिए ये परंपरा, जिस परंपरा में मैंने अपने गुरु से सीखा है उसी परंपरा को मैं अभी वर्तमान में प्रचलित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वही भाव जो जिस भाव से मैंने सीखा उस भाव से मैं इनको जोड़ता हूँ, शायद तभी ये लेगेसी कंटिन्यू है और जो है आपके समक्ष है। तो गुरु के शिष्यों से बात करेंगे कि गोपी बन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गोपी, कभी सोचा नहीं था हमने कि हम भी ऐसा कुछ कर पाएंगे, तो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा बना। अपने गुरु के लिए और आपका श्री राधा सखी सेवा समिति के लिए क्या कहना चाहिए? बस ये हमेशा ऐसे ही और बढ़ती रहे दिन पर दिन, बस यही राधा जी की कृपा बनी रहे हम लोगों के ऊपर। आप क्या कहना चाहिए? हमारा यही है कि भगवान इसी तरीके से हमको जोड़ता रहे और आगे हम लोग बढ़ते रहें और श्रद्धा पैदा होती रहे, बस यही। श्री राधा सखी सेवा परिवार हमारा इसीलिए ही है कि हमारी जो संस्था है वो ऐसे एक कार्य लेकर के आए और हम लोग सब लोगों को इसमें आकर के बहुत अच्छा लगता है और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हमें भी गोपी बनने का मौका मिलता है, इससे अच्छा मौका कहीं हमें नहीं मिलेगा। एक बात और बताना चाहूँगी कि श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति के द्वारा हर वर्ष 5 निराश्रित महिलाओं का कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार इसी संस्था के द्वारा संपन्न किया जाता है। 23 फरवरी 2024 में 5 कन्याओं का विवाह किया जा चुका है, 22 दिसंबर 2024 में पुनः 5 कन्याओं का विवाह निर्धारित है। कन्या जोड़े हमारे पास में आ चुके हैं, आज इस कार्यक्रम के बाद अब हमारी अगली तैयारी 22 दिसंबर की होगी। बहुत सुंदर तैयारी है आपकी, जय सुंदर कार्यक्रम, वैसे आपका परिवार ही बहुत सुंदर, हमेशा भगवान का आशीर्वाद इससे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्या कहूँ, मैं मेरे शब्द नहीं है, मुझे इस संस्था से जोड़ने वाली हमारी महान सुषमा अग्रवाल संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोगों को इस संस्था से जोड़ा है और बहुत सारे सामाजिक और सेवा के कार्य भी हम लोगों से करवाती हैं संस्था के द्वारा, हम लोगों को लगता है कि ये हमारा एक परिवार है। मैम आज संस्था का 6ठा वार्षिक उत्सव मनाया गया जहाँ कृष्ण लीला भी था, द्रौपदी की एक जो है व्यथा भी दिखाई गई, कार्यक्रम को इतना मंदमुग्ध कर दिया गया, तो क्या कहना चाहिए? बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति थी ये राधा सखी परिवार की और हमेशा की तरह उनका ये कार्यक्रम भी बहुत सफल था। गोपी गीत मुझे विशेष रूप से बहुत सुंदर लगा, जहाँ सखियों ने इतना सुंदर भाव विभोर कर देने वाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया, सुषमा जी का गायन अद्भुत था। समिति को 6 साल पूरा हो गया, तो समिति के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहिए? इसी तरह अच्छे काम करते रहे हमेशा, समाज का भलाई और साथ ही भक्ति भाव को बढ़ाते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया जी, अद्भुत अद्भुत। मैंने जीवन में इतना अच्छा, मतलब इंसानों को इतनी प्रभु की लीला करते नहीं देखा जो आज ये कार्यक्रम में दिखा। सुषमा जी, राधा सखी मंडल बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं और इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले ये अनिला जी हैं, इन्होंने ये सुषमा जी जुड़ी हुई हैं, तो आज यहाँ आकर के मेरा मन मोह लिया, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये तो हमारी संस्था है, कोई मुकाबला नहीं है सुषमा जी का और उनकी सब साथियों का। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? अरे हर एक एक चीज़ काबिले तारीफ थी। मनोज अग्रवाल जी क्या कहना चाहेंगे आज के इतने भव्य कार्यक्रम के बारे में, आपकी समिति का 6ठा वार्षिक? श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति विगत 7-8 वर्षों से लखनऊ में समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और इनका जो आज वार्षिक उत्सव मनाया गया है, इसमें राधा कृष्ण जन्मोत्सव
और जो गोपी गीत यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में मैंने हजारों आयोजन, धार्मिक आयोजन में मैं शामिल हुआ हूँ, लेकिन आज देख करके मैं मौन हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने सुंदर प्रस्तुति, और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे जब गोपी गीत प्रस्तुत किया जा रहा था, उसमें यहाँ पे शोरगुल का माहौल था, सभी लोग बात कर रहे थे लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं गया, और सभी लोग जैसे ही गोपी गीत प्रारंभ हुआ 5 मिनट के अंदर सब लोग उससे कनेक्ट हो गए और सभी लोग स्पीचलेस थे, सब लोग मौन होकर के उस गोपी गीत का आनंद लिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति की जो संस्थापिका अध्यक्ष हैं श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी, वो हर साल 5 निर्धन कन्याओं का विवाह करती हैं, सार्वजनिक विवाह होता है। ऐसा महसूस नहीं होता कि उस विवाह, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, इतनी सुंदर तरीके से तैयारी की जाती है और एक एक सामान का ख्याल रखा जाता है कि एक नव वर वधु को किस सामान की जरूरत होती है। सुषमा अग्रवाल जी और उनकी सभी सखियाँ उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, समाज के सभी लोग इसमें, मैंने उनको दिखता है कि हम जो इसमें योगदान कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उनके आंखों के सामने दिखता है कि वो बच्चों को मिल रहा है, इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। आगामी 22 दिसंबर को भी श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति के द्वारा कन्या विवाह, सार्वजनिक कन्या विवाह, सामूहिक कन्या विवाह यहाँ पर किया जाएगा। आप लोगों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग उस कार्यक्रम के भी साक्षी बने और उस कार्यक्रम को जितना बढ़ चढ़ करके क्या प्रसारित कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो समाज की कन्याएं हैं जिनका कि विवाह धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है, वो लोग हम लोगों से जुड़ें और उनके भी शादी समय से हो सके। आपका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना इतना सुंदर आज यहाँ पर हम लोगों का कवरेज किया कार्यक्रम का, और आपके माध्यम से हजारों समाज के सेवी हम लोगों से जुड़ेंगे और लाखों लोगों का भला होगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई सुषमा जी को इस कार्यक्रम की, बहुत अति सुंदर, जितनी तारीफ की जाए कम। ये जो हम लोगों की गोपी, जो हम लोगों ने गोपी रोल किया है, ये हम लोग बहुत भावुक हो गए इसको करने में, और इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने बहुत तन मन धन से, राघवेंद्र भैया मेरे घर पे आके करवाते थे, हम लोगों ने सबने बहुत मन से इसको रोल को निभाया और सब लोग बहुत खुश हैं आज। हमारा जो राधा सखी परिवार है, ये सब एकजुट हो के हम लोग आगे बढ़ते, और हम यही चाहेंगे कि हमेशा हम लोग यूँ ही आगे बढ़ें और जो भी लोग चाहें और हम लोग से मिलें और जुड़ें। तो आज हम आपको लेकर के निराला नगर में, जहाँ पर श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति के द्वारा मनाया गया 6ठा वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित रहीं और यहाँ पे भजन को लेकर के और राधा मैं पूरा जो है माहौल हो गया। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।